नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। देखिए आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा वैदिक प्रोग्रामिंग। और दोस्तों हमारे साथ देखिए एक खास मेहमान है, सचिन मिश्रा जी हैं और ये मेरे मित्र भी हैं और कह सकते हैं कि मेरे शिष्य भी हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों ये आपको उपसर्ग पढ़ाने वाले हैं और इस तरीके से आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे कि आपको यूट्यूब के हिस्ट्री में आई थिंक मेरे ख्याल से इतने अच्छे तरीके से उपसर्ग किसी ने नहीं समझाया होगा। और इनका भी एक खुद का चैनल है, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, सचिन मिश्रा। लिंक दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप छात्रों को नहीं पता है, वीडियो के टाइटल पर क्लिक करिएगा, उसके नीचे वो इनका चैनल का लिंक आ जाएगा। और ऐसी उपयोगी वीडियो दोस्तों जो आप पेड कोर्सेज में पढ़ते हैं वो बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाई जाएगी, चाहे मेरे चैनल की बात करें चाहे सचिन मिश्रा जी की बात करें, हर जगह आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो आगे से सचिन मिश्रा जी आपको लेक्चर वीडियो आज उपसर्ग पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही YouTube चैनल हमारा लक्ष्य आपकी सफलता पर, और मैं हूं सचिन मिश्रा जी। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगामी 3 नवंबर को यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है वह होने को है, और उसके उपलक्ष्य में हम आपके लिए डेली हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के हम आपके सामने डेली उपस्थित होते हैं। तो आज एक ऐसा चैप्टर जो कि हिंदी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे लगभग सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर हर एग्जाम में भी लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का एग्जाम, उसमें भी इस चैप्टर से सवाल पूछे गए। उस चैप्टर पर हम बात करेंगे, उसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग पर। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है कि वह है क्या, और कोई भी चीज जो है वह अपने ही शब्दों में छिपी हुई होती है। तो सबसे पहले उपसर्ग से ही हम देख लेंगे कि उपसर्ग क्या है। अगर हम उपसर्ग को डिवाइड करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बनेगा, उप से और सर्ग से, जहां उप का अर्थ होगा, उप का अर्थ होगा समीप और सर्ग का अर्थ होगा सृष्टि यानी सृजन यानी बनना, निर्माण होना, यानी वह शब्द या ऐसे शब्द जो शब्दों के समीप आकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। अगर जैसे हम बात करें एग्जांपल की, तो एक उपसर्ग मान लीजिए एक शब्द है जैसे हार, एक शब्द हार है। अब इस हार के आगे अगर हम वी लगा दें, वी लगा दें, वी, तो क्या हो गया, बिहार। अगर इसी हार के आगे हम सम लगा दें, सम लगा दें, तो क्या हो जाएगा, संहार। अगर इसी हार के आगे हम प्रति लगा दें तो क्या हो जाएगा, प्रतिहार। तो ये वी सम प्रति ये शब्द मिलकर के हार शब्द में परिवर्तन कर रहे हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, क्या, विहार। देखिए हार शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, पराजय, लेकिन वहीं अगर हार में भी लग गया तो क्या हो गया, विहार, इसका तात्पर्य क्या हो गया, घूमना। ऐसे ही संहार, संहार जिसका तात्पर्य क्या हो गया, संहार का तात्पर्य हो गया वध करना, प्रतिहार। तो इस तरह से जो है उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वे है जो शब्दों के आगे लग के, आदि में लग के, शब्दों के पहले आते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, उपसर्ग। तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं उपसर्ग कितने होते हैं। देखिए उपसर्ग जो है वो कई तरह से होते हैं, जैसे संस्कृत के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी के भी प्रयोग किए जाते हैं, उर्दू फारसी के भी प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ जो है अव्यय, ऐसे अव्यय जो उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाते हैं। तो हम उन चीजों को पढ़ेंगे, उन पे हम फोकस करेंगे। चलिए देखिए उपसर्ग कहां कहां से आते हैं। उपसर्ग देखिए संस्कृत से आते हैं, संस्कृत से आते हैं, संस्कृत से लगभग 22 उपसर्ग निकल कर आते हैं, हिंदी से आते हैं, और आपके आते हैं उर्दू फारसी से, उर्दू फारसी से आते हैं, और आते हैं अंग्रेजी के भी कुछ शब्द जो है वह उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं,
और आते हैं आपके अव्यय, कुछ ऐसे अव्यय ठीक जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, हम उनमें भी चर्चा करेंगे। तो इसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे ऐसे कौन से शब्द हैं जो शब्दों के आगे मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए अगर हम संस्कृत की बात करें तो आज एक एक चीज पे हम बात करेंगे, एक एक उपसर्ग पे हम ध्यान देंगे कि एक एक उपसर्ग कौन कौन से हैं। देखिए संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो क्या क्या हैं? प्र है, परा है, अप है, सम है, अनु है, अव है, निस है, निर है, दुष है, दूर है, ठीक, वी है, आग है, नी है, अधि है, अति है, परि है, उप है, उद है, कितने हुए? उद है, और है, सु है, तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और भी दो तीन हैं। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनसे जो है हिंदी शब्दों का निर्माण होता है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के देखिए कौन कौन से उपसर्ग हैं जो ज्यादातर शब्दों में देखने को मिलते हैं। उपसर्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास हैं जिनको ज्यादातर शब्दों में देखा जाता है, जैसे प्र है, अधि है, प्रहार, अधिकार, अति अति ये है अतिबल, परि है, परिधान। तो हिंदी के देखिए क्या क्या उपसर्ग है। हिंदी में है अ है, अन है, क है, कु है, दु है, नी है, औ है, भर है, सु है, अध है, उन है, पर है, दिन है। तो ये जो है ये हिंदी के उपसर्ग हैं। आगे हम अगर बात करें कि उर्दू और फारसी के क्या क्या उपसर्ग हैं, तो देखिए उर्दू और फारसी के क्या क्या हैं। उर्दू और फारसी उर्दू और फारसी से भी जो है कुछ उपसर्ग निकल के आते हैं, उनको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इसको आप जो है इन सब उपसर्ग को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी शब्द आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है कि भूल जाती है दिमाग से, लेकिन ये छोटी चीजें आपको एग्जाम में मार्क्स बहुत गेन कराती है। तो चलिए उर्दू और फारसी के उपसर्ग हम देखेंगे। उर्दू और फारसी में एक शब्द है अल, एक है कम, एक है खुश, एक है गए, एक दर है, एक ना है, एक है फिल या फी, ठीक, एक ब है, एक बा है, एक बद है, एक बर है, और एक है बे। अल, कम, खुश, गय, दर, ना, फिल, फी, ब, बा, बद, बर, बे, ये जो है ये उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। चलिए अब प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर जैसे प्रहार लिख लिया तो पूछ लेगा कि इसमें किसका उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, प्रसंस्कृत का उपसर्ग है,
कि हिंदी का उपसर्ग है कि उर्दू और फारसी का उपसर्ग है, तो अब ये चीजें आपको याद रहेंगी तभी आप वहां इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि इसमें है कौन सा उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग तो भाई बहुत है, लेकिन कौन से अव्यय है या कौन से उर्दू फारसी के है या हिंदी के कौन से है, तो ये चीजें हैं। और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग है जिनको बता रहे हैं आपको, देखिए अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग है, छोटा मोटा 5-6 लगभग है। देखिए अंग्रेजी से क्या क्या निकल के आते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग जो है वो है सब, एक सब है, एक डिप्टी है, एक वॉइस है, एक जनरल है, एक चीफ है, और एक जो है हेड है। अब देखिए बचते हैं संस्कृत के वे अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग के शब्द निर्माण में, उपसर्ग के रूप में शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। तो संस्कृत के वे अव्यय क्या है आपको वो भी बताते चले, संस्कृत के अव्यय, देखिए संस्कृत के ये अव्यय है अधः, अधः, अंतः और चिर, पुनर, बहिर, सत, उरा, सम, स। तो ये वे संस्कृत के अव्यय हैं जो हिंदी भाषा में शब्द निर्माण में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हुआ उपसर्ग, देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए संस्कृत के क्या क्या है, प्र, परा, अप, सम, अन, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अति, पर, उप, सु, उद, सु। ठीक, हिंदी में क्या क्या है, अ, अन, क, उ, दु, नि, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। और उर्दू फारसी के क्या क्या है, अल, कम, खुश, गह, दर, ना, फिर, पी, ब, बा, बत, बर, बे। अंग्रेजी के क्या क्या है, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। और संस्कृत की वही देखिए तो क्या क्या है, अध, अंत, अ, चीर, पुनर, बहिर, शत, पुरा, सम, स। तो ये उपसर्ग ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बेहद 100% लिख के ले लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसा चैप्टर है कि हर एग्जाम में इससे आता है जवाब, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और बाकी फिर से हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे कि प्रत्यय क्या है, और इस तरह से हम आपके लिए लगभग जितने भी हिंदी के चैप्टर हैं उन सभी पे जो है फोकस करेंगे। बाकी हमारे जो 20 क्वेश्चन आपके लिए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है वो आपको प्रतिदिन प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपको प्रतिदिन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।